ये रूस की नई हाइपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल 3M22 जिरकॉन है, जिसे जनवरी 2023 से सर्विस में आने के बाद दुनिया की सबसे तेज और सबसे घातक पारंपरिक क्रूज मिसाइल माना जाने लगा है। जी हाँ गाइस, 11,000 किलोमीटर की हैरतअंगेज रफ्तार और 1,000 किलोमीटर की इफेक्टिव रेंज के साथ इसने ब्रह्मोस और टोमहॉक जैसी एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स को काफी पीछे छोड़ दिया है। जबकि इस मिसाइल में टू स्टेज प्रोपल्शन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें पहले बूस्टर स्टेज में सॉलिड फ्यूल इंजन से इसे सुपरसोनिक स्पीड तक एक्सेलरेट करते हैं, जिसके बाद दूसरे चरण में लिक्विड फ्यूल के साथ स्क्रैमजेट मोटर्स को 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंचाने का काम करते हैं। और इस रफ्तार पर जब मिसाइल वायुमंडल के भीतर हाइपरसोनिक गति से उड़ती है, तो उसके सामने हवा का दबाव एक प्लाज्मा क्लाउड बनाता है, जो रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब करके इसे स्टेल्थ क्षमता प्रदान करता है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2023 में भारत ने रूस से जिरकॉन मिसाइल की टेक्नोलॉजी शेयर करने का अनुरोध किया था, जिस पर ब्रह्मोस 2 आधारित होगी। हालांकि अभी इस पर रशिया विचार कर रहा है।